قبضت شرطة محافظة الأحزاب المنطقة. सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। कावड़ियों से रिलेटिव काफ़ी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, साथ ही साथ सऊदी अरब में एक इंडियन बंदे ने नाक कटवाई है उसके बारे में भी बताऊँगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहाँ पर कावड़ियों द्वारा इस तरीके से डीजे बजाए जा रहे हैं, जहाँ पर एक मेडिकल स्टोर पर सामान अपने आप गिर रहा है। इतनी तेज़ जो डीजे बज रहे हैं उसकी धमक से सारा सामान उसका नीचे गिर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे। और एक वीडियो क्लिप और दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कावड़ियों द्वारा ई रिक्शों को तोड़ने वाला वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक गरीब का ई रिक्शा तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर प्रशासन मौजूद था लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे। गोदी मीडिया इस चीज़ को अभी नहीं दिखा रहा है। अगर यही मुहर्रम या फिर मुस्लिम का कोई त्यौहार होता जहाँ पर अगर नहीं भी होती है तोड़ फोड़ या किसी भी तरीके की, तब भी वहाँ पर जो टाइटल में लिखा होता है कि दंगाइयों ने इस तरीके की हरकत की। तो ये है गोदी मीडिया का दोहरा चेहरा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। और एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली के भजनपुरा से, जहाँ पर देख सकते हैं एक सब्जी वाला खड़ा होता है, अचानक से एक बंदा आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, और दूसरा बंदा उसके जेब से सारे पैसे निकाल लेता है। ये दिल्ली के भजनपुरा से अपडेट आ रही है, और इस तरीके से ही किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। तो ऐसी जगहों पर, सुनसान जगहों पर आप लोग ना जाइए, नहीं तो आपके साथ भी ये हो सकता है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बताया जा रहा है सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर छापे मारे गए, जहाँ पर गोदाम थे। गोदाम के अंदर चिकन, गोश्त और सब्जियां वगैरह जो कि ख़राब हो चुकी थी, उसके बावजूद भी ये लोग पूरे सऊदी में सप्लाई कर रहे थे। तो ऐसे गोदामों पर छापे मारकर सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो बताया जा रहा है कि सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई जारी है सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के वीडियो सामने आते ही रहते हैं कि जो ख़राब माल हो जाता है, एक्सपायर माल हो जाता है, उसके बावजूद भी सऊदी अरब में ये लोग सप्लाई करते रहते हैं। एक अपडेट आप लोगों के साथ में मैं और शेयर कर देता हूं। इससे पहले भी मैंने ये अपडेट शेयर की थी, अगर कोई भी बंदा महिला को छेड़ता है सऊदी अरब में तो उसका नाम शो कराया जाएगा सोशल मीडिया पर कि कहां का है, और उसका नाम भी शो कराया जाएगा। तो ये कानून पास हो गया था सऊदी अरब में, अब इसको लागू कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक इंडियन बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो महिला को छेड़ रहा था, और बताया जा रहा है इस बंदे का नाम है दिलावर हुसैन। इसमें इतना ही बताया गया है कि ये भारत का रहने वाला है और इसका नाम है दिलावर हुसैन। जगह का नाम, राज्य का नाम या सिटी का नाम नहीं बताया गया है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरीके से सऊदी अरब में कुछ दिन पहले ही अपडेट आई थी कि कोई भी महिला को छेड़छाड़ का मामला सामने आएगा, अब उसका नाम शो कराया जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम शो कराया गया है, इसका नाम है दिलावर हुसैन और ये भारत का रहने वाला है, और इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद है। पहले ये जेल में काटेगा, उसके बाद में अब इसके साथ में क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, पहले सऊदी अरब में किसी भी तरीके का कोई भी नाम शो नहीं कराया जाता था, लेकिन अब हुकूमत ने पहले ही ये बता दिया था कि अगर आप किसी भी महिला को परेशान करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं तो उस बंदे का अब नाम ओपन किया जाएगा, सबको बताया जाएगा सोशल मीडिया पर। तो ये सऊदी अरब ने पहले ही बता दिया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बताया जा रहा है ये मामला सामने आया है सऊदी अरब के अल अहसा इलाके से। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आने पर आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।